Hey, what's up? कैसे हो देवियों सजनों, स्वागत है। ये चेहरा नहीं है अनजान देवियों सजनों, ये है हमारे जाखड़ साहब। ये हमेशा मेरे ड्रोन के साथ ऐसे ही पंगेबाजियां करता रहता है। ये ना सुधरा था ना सुधरेगा, हमेशा ऐसे ही मेरे ड्रोन को छेड़ता रहेगा। आगे आगे देखो इसकी हरकतें। और ये है स्वागत है हमारे कैंप में, धनौल्टी के कैंप में। बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत शांत एरिया है। ऊपर से एक बार इसका व्यू देखो, और ये सामने सड़क जो दिखाई दे रही है, यहीं से आना जाना होता है इस कैंप में। इसी के साथ नियर बाय ये कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखा रहा हूँ। अल्टीमेट व्यूज हैं, अल्टीमेट, बहुत पीसफुल एरिया है। ऊपर से हमारा जो कैंप है, मतलब ये धनौल्टी जिस जगह पे हमने स्टे किया है, ऊपर से ये एरिया ऐसा दिखता है। बहुत बड़ा बसा हुआ एरिया नहीं है, ठीक है, डिसेंट है, और बहुत साफ सुथरा सा है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रोन में शायद नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर से नीचे आता हुआ मेरा ड्रोन, इसको वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है इस वीडियो में, क्योंकि साइड में पैरेलली करण का भी ड्रोन उड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे डिवाइस से जो रिकॉर्ड हुआ साउंड, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई, एंड मुझे इस जगह पे वॉइस ओवर देना पड़ा। मेरी आगे वाली वीडियो में भी आप उस ड्रोन की साउंड को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, थोड़ा सा नॉइसी है। आजा आजा आजा, ये देखो भाई, नीचे मैं बैठा हूँ और बाकी सब लोग मुझे घेर के खड़े हैं। आजा भाई आजा, नीचे आ, नीचे आ। और इसी के साथ ये व्हाट्सएप, कैसे हो देवियों सजनों, स्वागत है। मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? हाँ आ रहा हूँ। वाह, ये जाकर क्या बेच रहे तू? जाकर क्या बेच रहे तू? ऊपर बेच, ऊपर चने ले लो, चढ़े चढ़े कबूतरी का दाना डाल रहा है। आ जाने नूने लेकर चला आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ना ना नूने चिंता ली आ मैं बड़ा स्पोर्ट्स मोड में घेरू जरा मैं रोई जा बड़ा गया तू कल हार आया तू रे लठनी मारना इस गया तो ये है भाई हमारे कैंप की साइड सीन, और ये करण मेरा भाई, डेविड ऑल हाथ से उतार रहा, अरे ऐसा है क्या? तो सामने ये जो एरिया देख रहा है भाई, ये इन्होंने ये स्टेज बना रखा है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब। दोबारा दिखा क्या चीज नहीं आ रही थी? ठीक आ रहा था भाई साहब, क्या दिखा रहा था? अरे दिखा तो सही, दिखा तो सही। हाँ भाई प्लान लिया हुआ तूने?
भाई ये है नजारा यहाँ से इन वादियों का। अब इन वादियों को देख लेते हैं, यहाँ से ये कैसी हसीन वादियाँ हैं। तुम तो दिल में तुम तो दिल। ये हमारा कैंप एरिया जो जहाँ पे हम लोग बैठे थे। माही मेरे भाई हाउ डू यू डू रहे? आई एम फीलिंग गुड। कहाँ गए रहे हैं हम? कनौल्टी के बढ़िया वाले कैंप में रह रहे हैं। पेड़ों के उधर है भाई, वो पेड़ों के उधर है। मैं इधर उधर के ही व्यूज ले रहा हूँ। अच्छा उस तरफ है, जरा देख लो भाई। यहाँ लाउड नहीं है, तुमको पता है क्या लाउड? टोक रहा था, मना कर रहा था ऐसी तैसी। नहीं सही में, अरे जब तक आएगा तब तक तो हम बैंक पैक करके निकल जाएंगे। फिर गलत पंगे लेने क्यों? किसी का पंगा ले रहे हो भैया? वो भी लियो ब्रेड टोस्ट। दो ब्रेड ठीक है ना? अरे भैया क्या दिया आपने इनको, ब्रेड बटर या ब्रेड टोस्ट? ब्रेड बटर। बताओ भाई कितने का पड़ा आपको? भाई मैंने बाहर से जब ये मंगाया था तो मेरे को बाहर से 65 का पड़ा था, लेकिन अब ये अगर आप यहीं से सोर्स करोगे तो सस्ते में मिल जाएगा। और कितनी रेंज है भाई इसकी? रेंज तो कमी आती है भाई। अब इसके 3,500-3,000 रुपए इसके लाइसेंस पे अनलॉकिंग पे लग रहे हैं। अच्छा इसमें ये भी होता है पंगा? अगर 250 ग्राम से नीचे भाई ये इसकी जो वो है ना हाइट लॉकिंग अनलॉकिंग उसके लिए चाहिए हमारे इसमें। अच्छा ये बिलिंग परचेसिंग में आता है, लीगल परचेसिंग में आता है सारा ये? अरे 249 जो ये वाले है ना इन पे ज्यादा इश्यू नहीं है। हालांकि ड्रोन तो अब हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है। ड्रोन बैन हो गए क्या? अब बैन कर दिए इन्होंने पाकिस्तान वाले जो आ रहे थे ड्रोन उनकी वजह से। लेकिन हम उस रीजन में नहीं है। अगर आर्मी एरिया होगा ना तो मैं कभी नहीं उड़ाता, बिल्कुल चाहिए नहीं ऐसे शॉट ही नहीं चाहिए। हाँ तो सीधा भाई मेरे को ले में इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस मिल रहे थे, मैंने कैमरे तक में शूट नहीं किया, मतलब बस आंखों में बसा के आ गया। नहीं चाहिए ऐसी फुटेज, चाहिए नहीं साला। साहिल ने नींद की वैसे मना किया है मंदिर का, नहीं तो हाँ कर देता मंदिर के लिए, उसको नींद आ रही है। तुम तो पक्का ना कौन चलता, मैं और ये रेडी था बस। राकेश कैसे जाते हम दोनों? गाड़ी टायर होते 7 बजे भाई, तुम लोग लेट हो जाते 2 बजे के चक्कर में, समझ। हम तो अभी भी निकल जाएंगे 8 बजे ने, इसका सिर्फ एक इशू है, इसमें माइक नहीं है। ठीक है तो माइक के लिए अब ये फोन रखा है, ये फोन रखा है इसमें साथ में डाल दो। अब ये सारी रिकॉर्ड हो गई ठीक है ना, अब इसको उसके साथ कोलैबोरेट कर दो अपना। यही ठीक है, तो प्लानिंग तो दो चीज की चल रही है, बाइक की और ड्रोन की। छोटे वाला पीछे पड़ा है ना ब्लॉगिंग के चक्कर में, वो ब्लॉग करता है। वो तो एंटोप से पता नहीं तुमना तो कम हुआ है, ब्लॉग करता है ना उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। जिसने नहीं करना मेरे टाइम पे बड़ा ऐसा लगता है यार, ओ भैया ड्रोन पे इधर आओ, इधर आओ, फिर बाद में कहोगे आए नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर सामने सबके बीच में। झाड़ू तो छोड़ दो, झाड़ू रख दो। हाँ अब उधर देखो सामने, बताओ अपने कैंप के बारे में, किस लोकेशन में क्या है, कैसा है और इस एरिया में क्या क्या है घूमने लायक। आपके यहाँ आए तो बंदा क्यों आए बताओ? इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है सर? दस दो इसको पकड़ लो हाथ में और बोलते रहो। हमारा कैंप है मेन मार्केट में धनौल्टी, 100 मीटर इको पार्क राइट साइड में, 100 मीटर लेफ्ट साइड में, 2 इको पार्क है। और कैंप का मतलब हमारा मिलिट्री के कैंप है माउंट क्राफ्ट के, इसमें अंदर बाहर से पैकिंग होता है पूरा, तो बाहर माइनस भी हुआ टेम्परेचर तो भी अंदर प्लस ही रहेगा। क्या बात है, और भाई की सेवा, ओए होए होए मजा आ गया रात को। भाई ने इज वन मैन आर्मी ब्रदर, क्या बात है, क्या सेवा की। और भाई ने जो गाने सुनाए वो तो देख ही लिए होंगे, मजा आया होगा वो छोटी छोटी क्लिप्स बीच में। एक आदमी 12 पे भारी था भाई, रात को ऐसे भाग रहा था। तो अभी रुदाई के क्या बस कर पगले रुदाई का क्या भाई एक्चुअल में। लेकिन
बहुत मेहनती आदमी है। और भैया क्या नाम है इसका कैंप का? जंगलवुड कैंप। जंगलवुड कैंप है भाई आपका डनॉल्टी में। आओ, पूरी लोकेशन आपने देख ली है, अच्छी लोकेशन है, मस्त एरिया, साफ सुथरा कैंप है। और यहाँ थंगवली भी मिलेगा, थंगवली से आगे भी मिलना। ये रहा, ये रहा थंगवली। भाई ये थंगवली है, किसकी बलि चढ़ाएगा भाई बता? पत्ती। ओ भाई आप सबसे बढ़िया काम पता है क्या इसका? अरे भाई ये सारी मेहनत जीरो कर दूंगा भाई, झाड़ू मारने वाला। इस पे कुछ रख दे, इस पे कुछ रख दे। ले भाई रहने दे, रहने दे, मत रख, तू हटा दिया उसमें। जाओ तो कुछ बोला नहीं, हंस रहा जाएगा तू। गरम मुंह राख चली गई। ओ उसके बाद गुल गया जा रहा था, गरम मुंह राख चली गई। आ जाओ नीचे, आ जा डाउन डाउन।